नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी दवाई वियोला ट्राइकलर के बारे में। ये मदर टिंचर फॉर्म में खास तौर पर यूज़ की जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई के अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो ये दवाई दी जाती है स्किन डिजीज़ में, एक्जिमा में हम इसे दे सकते हैं। एक्जिमा में अगर पेशेंट को पूरे शरीर में खुजली देखने को मिलती हो, इसके अलावा ये दवाई दी जाती है अल्सर्स में भी अगर पेशेंट को वॉयलेंट ईचिंग देखने को मिले तो ये अल्सर्स में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसके और फायदे की बात करें तो ये कील मुहासे में दी जा सकती है। पेशेंट को अगर फेस पर कील मुहासे देखने को मिलते हो, इरप्शंस पूरे फेस पर देखने को मिलते हो, इरिटेशन होती हो, रात को पेशेंट को नींद भी नहीं आती हो, तो ऐसे लक्षणों में दवाई हम पेशेंट्स को देते हैं। पूरी बॉडी पर स्कैब्स देखने को मिले तो उसमें बहुत इफेक्टिव रहती है, खासतौर पर जब खुजली होती हो। इसके और फायदों की बात करें तो ग्लैंड्स में स्वेलिंग देखने को मिले या फिर पेशेंट को नेक पर स्वेलिंग के साथ साथ गांठें बनती दिख रही हों, तो ऐसे में ये दवाई देने से पेशेंट को एनलार्ज ग्लैंड्स में बहुत असरदार रिलीफ मिलता है। और यूजेस की बात की जाए तो ये दवाई रियोमेटिज्म में भी हम दे सकते हैं। जॉइंट्स पेन के साथ साथ पेशेंट को खुजली भी देखने को मिलती हो जॉइंट्स में, तो ऐसे में ये दवाई देने से खुजली में राहत मिलती है और रियोमेटिज्म के कारण पेशेंट को जो पेन हो रहा है, स्वेलिंग जो आ रही है, उसमें भी काफ़ी राहत मिलती है। तो पेशेंट को अगर स्कैल्प यानी सिर पर खुजली देखने को मिलती हो, इरप्शंस हो गए हो, वहाँ पर फुंसी देखने को मिलती हो, पस फॉर्मेशन कई बार उनमें हो जाती है और खुजली भी देखी जाती है, साथ में पेशेंट को बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, बार बार पेशाब आता है, ऐसे लक्षणों में अगर पेशेंट को ये दवाई दी जाए तो काफ़ी राहत मिलती है स्कैल्प पर खुजली होने पर या इरप्शंस होने पर। अगर छोटे बच्चों में एक्जिमा देखने को मिले, एक्जिमा जो स्किन डिजीज़ होती है छोटे बच्चों में अगर वो हो जाए और बड़े बड़े फोड़े कई बार पूरी स्किन पर यानी फुल बॉडी स्किन पर पेशेंट को देखने को मिले, तो ऐसे लक्षणों में इसे छोटे बच्चों में भी दिया जा सकता है। मेल पेशेंट की अगर बात की जाए यानी पुरुषों में इसके यूजेस की बात की जाए तो ये दवाई सौपन दोष में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। जिन लोगों में रात के समय वीर्य निकल जाता है, नाइटफॉल होता है, ऐसे में ये दवाई देने से पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है और अगर पेशेंट को अंडाशय में खुजली देखने को मिले तो उसमें भी राहत देती है। महिलाओं में इसे ल्यूकोरिया में यूज़ किया जा सकता है। ल्यूकोरिया यानी कि जब सफ़ेद पानी बार बार डिस्चार्ज हो रहा हो, तो ऐसे लक्षणों में ये दवाई हम महिलाओं में भी देते हैं। ये दवाई स्किन डिजीज़ इम्पेटिगो में भी दी जा सकती है, जो कि स्किन का एक इन्फेक्शन होता है जिसमें पेशेंट को अगर चेहरे पर ये हो जाए, बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलती हो यानी जलन के साथ पेशेंट को खुजली भी अगर देखने को मिले, तो ऐसे लक्षणों में ये दवाई हम पेशेंट को देते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये दवाई दी जाती है स्वपन दोष में। पेशेंट को अगर चेहरे पर इरप्शंस कील मुहासे देखने को मिले, उनमें खुजली होती हो, जलन होती हो, स्कैल्प पर पेशेंट को एक्जिमा हो गया हो, या फिर छोटे बच्चों में अगर एक्जिमा देखने को मिलता हो, ऐसी सारी बीमारियों में दवाई असरदार रहती है। अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज की सलाह ले सकते हैं। इस दवाई को क्यू फॉर्म यानी मदर टिंचर फॉर्म में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कौन सी फॉर्म उसको दी जाएगी, कौन सी पोटेंसी दी जाएगी, उसकी क्या डोजेज रहेगी, इसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।